विद्यार्थियों, आज हम सामाजिक विचारक कार्ल मार्क्स को पढ़ेंगे। कार्ल मार्क्स से बहुत सारे बच्चों का परिचय है, क्योंकि राजनीतिक विज्ञान में भी कार्ल मार्क्स को पढ़ाया जाता है। कार्ल मार्क्स आधुनिक समाजवादी विचारधारा के जनक माने जाते हैं। उन्होंने जीवन पर्यंत समाजवादी साहित्य की रचना की। उन्होंने विश्व को न केवल क्रांतिकारी विचारधारा दी, वरन उस विचारधारा के द्वारा विश्व के इतिहास की दिशा तक बदल दी। उनसे पहले बहुत सारे विचारक ऐसे थे जिन्होंने समाजवादी विचारधारा को प्रस्तुत किया, लेकिन वैज्ञानिक समाजवादी विचारधारा के जनक और प्रणेता मार्क्स को ही माना जाता है। मार्क्स का समाजवाद इतिहास के गूढ़ अध्ययन पर आधारित है। मार्क्स प्रथम व्यावहारिक दार्शनिक हैं जिन्होंने इस बात पर अत्यधिक बल दिया कि ऐतिहासिक घटनाओं पर आर्थिक परिस्थितियाँ अपना प्रभाव डालती हैं। अर्थात मार्क्स ये मानते थे कि जो भी समाज में है, निम्न और उच्च, गरीबी, निर्धनता, श्रमिक और पूंजीपति वर्ग, वो सब आर्थिक स्थितियों के कारण हैं। इसलिए मार्क्स के संबंध में ये जानना बहुत आवश्यक है कि मार्क्स ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी विचारधारा दी, एक नवीन क्रांतिकारी विचारधारा दी। उनकी विचारधारा के द्वारा विश्व के इतिहास की दिशा बदलने की कोशिश की। तो साम्यवादी और समाजवादी प्रणेता के रूप में कार्ल मार्क्स को जाना जाता है। मार्क्स एक ऐसे विचारक और दार्शनिक हैं जिनका अध्ययन समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन, राजनीति शास्त्र सभी में किया जाता है। देखिए, पहले जैसे आपने जाना कि एक नंबर का क्वेश्चन, आपके जो 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसके एक नंबर के क्वेश्चन में देश का नाम आता है किसी भी विचारक का, कि उनका संबंध किस देश से था। तो केवल इतना सा जानना कि उनका जन्म कहाँ और किस देश में हुआ। वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 में प्रसिया के राइन प्रांत के त्रियर नगर में हुआ। मार्क्स प्रारंभिक काल से ही क्रांतिकारी विचारधारा के थे। अपने युग में, मार्क्स के समय जब उनका जन्म हुआ था, तब उनके समय ऐसी परिस्थितियां थी कि सारी तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियां इस तरीके की थी कि विचारधाराओं में परिवर्तन आ रहा था, कारखानावाद उदय हो रहा था। ऐसी स्थितियों में मार्क्स ने ऐसे क्रांतिकारी विचारधारा दी। उनकी प्रमुख रचनाएं इस तरीके से बहुत सारी हैं, लेकिन उनकी जो रचनाएं हैं, जो प्रमुख रूप में हीगल की अधिकार संबंधी धारणा की आलोचना की एक प्रस्तावना, इस पुस्तक में मार्क्स ने हीगल के अधिकार संबंधी दर्शन की आलोचना की। हर कोई भी विचारक किसी से प्रभावित होता है, तो मार्क्स के विचारों पर सर्वाधिक प्रभाव हीगल के विचारों का था। हालांकि उन्होंने हीगल के विचारों को, वो खुद स्वयं कहते हैं कि उनके हीगल के विचार सिर के बल खड़े थे, मैंने पैरों के बल सीधे खड़े किए हैं। ये आप आगे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद आदि में उनके विचारों को पढ़ेंगे। तो हीगल से प्रभावित होकर उन्होंने इस पुस्तक की रचना की। फिर है पवित्र परिवार, होली फैमिली। इस जब आप इनके पूरा जीवन काल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके एक मित्र थे एंजल्स, और मार्क्स और एंजल्स ने मिलकर बहुत सारी रचनाएं की और उनकी क्रांतिकारी विचारधारा में ही उनकी मदद नहीं की, वरन उनकी पारिवारिक मदद भी उन्होंने की। तो इस ग्रंथ की रचना मार्क्स और एंजल्स दोनों ने की। और जैसा कि अभी आपको बताया कि मार्क्स मानते थे कि जितने सारे सभी समस्याएं हैं, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, वे सभी निजी संपत्ति की वजह से हैं। तो वो निजी संपत्ति सारी बुराइयों की जड़ है, इस सैद्धांतिक विचारधारा की बीज इसके अंतर्गत देखे जा सकते हैं। तीसरा उनका दर्शन की दरिद्रता। यह पुस्तक प्रौद्धा की पुस्तक दरिद्रता का दर्शन के उत्तर में लिखी गई। इसमें उन्होंने उनके आर्थिक विचारों की आलोचना की और इसमें तर्कहीन बताया, और उन्होंने कहा कि पूंजीवादी समाज में शोषण, गरीबों और संकटों का जो है इस समय, अब वो अंत संभव उतना ही होगा जब पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली को समाप्त किया जाएगा। फिर है उनका साम्यवादी घोषणा पत्र, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये उनके प्रस्तुत रचना है। ये भी मार्क्स और एंजल्स दोनों में दी प्रदर्शित मूल विचार मार्क्स के ही हैं। ये एक घोषणा पत्र है जिसमें उन्होंने क्रांतिकारी भूमिका के बारे में, किसके, सर्वहारा वर्ग, उन्होंने दो चीज़ें बताई
एक तो श्रमिक वर्ग, उसी को उन्होंने सर्वहारा वर्ग कहा, और पूंजीपति वर्ग। उन्होंने कहा कि सर्वहारा वर्ग की क्रांतिकारी भूमिका के बारे में विचार व्यक्त किए। फिर उनका दास कैपिटल, ये उनकी बहुत मार्क्स का विश्वविख्यात ग्रंथ है। उनके जीवन काल में इनका प्रथम खंड ही प्रकाशित हुआ था और सारे खंड उनके बाद में प्रकाशित हुए थे। मार्क्स का पूर्ण विवरण इस पुस्तक में है। समाजवादी साहित्य का एक प्रमाणित प्रस्तुतिकरण है इसमें, और दास कैपिटल में ही वर्ग संघर्ष और वर्ग, ये सब मूल्य का सिद्धांत, ये सब चीज़ें उस इसके अंतर्गत हैं। तो इस तरीके से मार्क्स ने अपनी जीवन काल में जितनी रचनाएं की, उसके बाद में एंजल्स ने उनकी रचनाओं को प्रभावित किया। मार्क्स के, अभी जैसे आपने जाना कि प्रत्येक विद्वान अपने युग और तत्कालीन सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों की उपज होता है, तो मार्क्स भी अपने युग का प्रभाव मार्क्स पर था। आपको जैसे बताया कि मार्क्स के दर्शन पर हीगल का प्रभाव था, हीगल से वो प्रभावित थे, फ्रांसवादी, फ्रांस के समाजशास्त्री विचारकों का भी प्रभाव था, सेंट साइमन प्रभाव था, ब्रिटिश समाजवादियों का प्रभाव था। और इस तरीके से मार्क्स के मूल्य का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, जो आपको पढ़ना है अपने इसमें कार्ल मार्क्स के जो सिद्धांतों में, वो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, वर्ग संघर्ष है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है, अलगाव का सिद्धांत है, ये सब आप इसके द्वारा पढ़ेंगे। तो एक समाजशास्त्री के रूप में मार्क्स का योगदान निस्संदेह महत्वपूर्ण है। वे सामाजिक घटनाओं के वैज्ञानिक अवलोकन एवं विश्लेषण पर जोर देते थे। यानी उनका मानना था जो देखा नहीं जा सकता, प्रत्यक्षवाद जो देखा नहीं जा सकता, परखा नहीं जा सकता, परीक्षण नहीं किया जा सकता, तो उसमें परिवर्तन कैसे संबंध है। तो समाज के बारे में मार्क्स का मत था कि केवल व्यक्तियों का योग नहीं है, परम व्यक्तियों की पारस्परिक अंतःक्रियाओं का परिणाम है, और व्यक्ति स्वयं अपने जीवन यापन के लिए, जीवित रहने के लिए उसे उत्पादन करना पड़ेगा, और जब वो जीवित रहेगा, उसका पेट भरा होगा, वो शक्तिशाली होगा, तभी वो समाज में संघर्ष कर पाएगा। तो इस ऐसे विचारधारा, ऐसे क्रांतिकारी विचारधारा के समर्थक, उन्होंने कहा दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हें तुम्हारी बेड़ियों के सिवा कुछ नहीं खोना है, पाने के लिए तुम्हारे पास सारा संसार पड़ा है। तो ऐसा नारा उन्होंने दिया कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तभी तुम अपनी स्थिति से सुधार ला सकते हो। तो ऐसे कार्ल मार्क्स साम्यवादी क्रांतिकारी समाजशास्त्री को आप पढ़ेंगे, और उनका कल हम पहला चैप्टर उनका शुरू करेंगे, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद।